आयकर विभाग कमिश्नर डॉक्टर सिमी गुप्ता ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कमिश्नर डॉक्टर सिमी गुप्ता ने बताया कि उनके विभाग ने एक वर्ष में 37 आयकर सर्वे के दौरान 40 करोड़ रुपए का कालाधन उजागर किया है। सिमी गुप्ता ने कहा कि कोष मूल्य दंड आयकर विभाग का मोटो है। इसके अर्थ की सच्चाई के अनुसार विभाग देश के लिए कार्य इकट्ठा कर रहा है, जो कि देश के लोगों को सुविधाएं, सुरक्षा, जीविका, शिक्षा तथा देश की सुरक्षा आवश्यकता की पूर्ति के लिए और धन पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए सभी नागरिकों का दायित्व है कि वे सही मात्रा में कर जमा करवाएं। आयकर विभाग के पास इसके अतिरिक्त बड़ी मात्रा में कर चोरी के आंकड़े हैं, जो कि विभाग ने विभिन्न कार्यालय तथा बाहरी एजेंसियों से विभाग द्वारा सख्त कार्रवाई से बचने के लिए अपना टैक्स अदा कर समय पर जमा करवाए। चालू वित्त वर्ष में आयकर को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान दे रहा है और कैंप व कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि करदाताओं को आयकर विवरणी भरने के बारे में जागरूक किया जा सके, जिसके फलस्वरूप प्रधान आयकर वन जलंधर परिवार में 50,000 नए करदाताओं ने 14/2/2019 तक आयकर विवरणी जमा करवाई है। इस मीटिंग में ज्वाइंट कमिश्नर भवानी शंकर, एडिशनल कमिश्नर बरविंदर कौर, असिस्टेंट कमिश्नर SP सिंह, ITO सुनील एरी शामिल थे। सिमी गुप्ता, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वन जलंधर। मेरा देश के लोगों के लिए, यही जलंधर वासियों के लिए और जलंधर, होशियारपुर और दसवा नवाशहर जहाँ पे मेरी जुरिस्डिक्शन है, उन लोगों के लिए मैसेज है कि जितना उनका टैक्स बनता है वो अपना प्रॉपरली दें और उसको छुपाए नहीं। ये हमारे पास सबके अगेंस्ट इंफॉर्मेशन है और हम उसको यूज़ करने से नहीं पीछे हटेंगे। ये नहीं तो हमें कर्सिव मेजर्स लेने पड़ते हैं और उनको बताना पड़ता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ अपना काला धन है। इसलिए मच बेटर है कि वो अपना प्रॉपरली टैक्स दें और देश के लिए जो उनका कर्तव्य है प्रॉपरली निभाएं। मैम, पिछले एक साल में अगर जलंधर दसवा रेंज की बात करें, जितने आपके आते हैं उसके अंदर कितनी रेट्स डल चुकी हैं, कितने आप जो है टैक्स पेयर जो है टैक्स नहीं अपना पे करते उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है? हमने 24 ग्रुप में अभी तक सर्वे किए हैं, उन्होंने 40 करोड़ के का अप्रॉक्सीमेटली डिस्क्लोजर किया है, जिसमें वो अब 31 मार्च से पहले अपना टैक्स दे देंगे। हमारे पास फर्दर भी डॉक्यूमेंट्स हैं कई केसेस में, जिनको हम देखेंगे, उनको प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करेंगे और जो फर्दर टैक्स उनका बनता है वो भी उस पर लगाएंगे। कोई मैडम, आपने आपकी तरफ से कोई अवेयरनेस कैंप वगैरह भी कुछ ऐसे कुछ लगवाएंगे? हमने 14-15 जगह में अवेयरनेस कैंप्स लगाए हैं, जिसके बेसिस पे हमें अभी तक 53,000 फर्दर रिटर्न्स आई हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर तक रिटर्न्स नहीं भरते थे, इस साल भरी है उन्होंने। एज अ रिजल्ट हमारी 2,46,000 रिटर्न जो है फाइलर्स हमारे पास अब उसमें डेटाबेस में है, एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस अवेयरनेस कैंप्स। और जो लोग नहीं भी भर रहे, हमारे 25,000 नोटिसेस जा चुके हैं जहाँ पे उन्होंने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, बट वो इंस्पाइट ऑफ दैट उन लोगों ने रिटर्न्स नहीं भर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हमें फिर एक्शन लेना पड़ेगा। तो उन लोगों से यही है कि वो अपनी रिटर्न्स फाइल कर दें। एनकाउंटर जलंधर से कैमरामैन आज के साथ वरुण अग्रवाल की रिपोर्ट।